मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से ले तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस मानी जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है जय श्री राम पर बवाल क्यों। इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाया है। खुद को सेक्युलर दल साबित करने के लिए क्या जय श्री राम नारे पर चिढ़ना जरूरी है। बंगाल की सियासी महाभारत में छिड़ी यह बहस अब दिल्ली तक पहुंच गई। दरअसल दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू नाम के युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। परिवार वाले दावा कर रहे हैं कि उनके बेटे की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो रामकाज अभियान से जुड़ा हुआ था। इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्याकांड पर सियासी बयानबाजी से लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर तेज है। उधर बंगाल में ममता और उनकी पार्टी जय श्री राम के जयघोष पर राल ठाने बैठी है। आज मुर्शिदाबाद में बीजेपी की रथ यात्रा तक रोक दी गई। जय श्री राम की गूंज अब भक्ति भाव के संसार के अलावा राजनीतिक संसार में भी खूब गूंज रही है। जहां एक और ममता दीदी जय श्री राम सुनती हैं, वहीं वो और उनकी पार्टी के लोग बिफर पड़ते हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बंगाल की पुलिस सख्त कार्रवाई कर डालती है, लेकिन बीजेपी ने बंगाल चुनाव से पहले ही परिवर्तन के रथ पर सवार होकर साफ कर दिया है कि राम नाम की गूंज अब और सुनाई देगी। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगन भेदी नारा लगाइए, जय श्री राम। बीजेपी नेताओं ने दीदी की सरकार पर दमनकारी होने का आरोप लगाया है, क्योंकि 2 दिन पहले हुबली में राम नाम लिखे मास्क बांटने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार हमलावर हो गई हैं। निजेरा निजेदेर एक बार बोलबेन, रावण सीता हरण करेछिल रथे चढ़े, सेई रथटाओ कि आपनारा चालाच्छेन? हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की जनता से ममता दीदी को लेकर खास वादा भी कर डाला है। मैं आपको वादा कराता हूँ, चुनाव समाप्त होते होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। बंगाल की हालत देख टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी तक ने इस्तीफा दे दिया है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूँ मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। दूसरी ओर दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू नाम के शख्स को कत्ल करने की वारदात सामने आई है। परिजनों का दावा है कि जय श्री राम के जयकारे को लेकर उसको मार डाला गया। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। देश की बहस में आज सवाल श्री राम के नाम से जुड़ा है। जिस श्री राम से राम राज्य की परिकल्पना होती है उसी राम का नाम लेने से कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं, हिंसा करते हैं, यहाँ तक कि हत्या भी कर डालते हैं। ऐसा क्यों? बचपन से हमने सुना है जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहियो, यानी राम आपको जिस तरह से रखे उसी तरह से आपको रहना है। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या राम का नाम लेना अपराध है? आप हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी राय, आप इस पर अपनी राय हाँ या ना में न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। सबसे पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अवनिजेश अवस्थी हैं जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और संघ के विचारक हैं, मेरे साथ मुजीबुर रहमान हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और वकील हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं, मेरे साथ विनय सिंह साहब हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं। सभी से बातचीत होगी, जय श्री राम पर बंगाल में क्यों बवाल होता है उस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले रिंकू शर्मा के भाई मनु शर्मा मेरे साथ हैं। मनु, मैं आपसे
सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, हुआ क्या था? पुलिस कह रही है कि भाई ये विवाद जो है वो एक रेस्टोरेंट में विवाद हुआ था, इसका जय श्री राम के नारे या रामकाज से कोई लेना देना नहीं था। आपकी क्या सफाई है इस बारे में मनु, बताइए। जो आपको ये बयान दिया पुलिस ने, बर्थडे पार्टी में कुछ ऐसी बात नहीं हुई है, जब बर्थडे पार्टी में दूसरी पार्टी इंक्लूड ही नहीं है, इनविटेशन उनको है ही नहीं, तो बर्थडे पार्टी में लड़ाई कैसे हो जाएगी? आप कह रहे हैं कि दूसरा पक्ष है, उसको बर्थडे पार्टी में इनविटेशन था ही नहीं? हाँ जी मनु, हुआ क्या था? मनु हुआ क्या था, तफसील से बताइए हमें, किस बात पर विवाद शुरू हुआ और कैसे ये बात यहाँ तक पहुंची कि रिंकू को अपनी जान गंवानी पड़ी, एक मासूम जिंदगी जो है इस तरीके से उलझ गई और इस तरह से खत्म हो गई? हमने 5 अगस्त 2020 में राम जन्मभूमि राम जी की यात्रा निकाली थी, बोलते रहिए मनु, आपकी आवाज आ रही है लगातार, बोलते रहिए आप लगातार करते थे, जिसका ये लोग विरोध करते थे, और हम प्रति मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये लोग उसका विरोध करते थे। बोलते रहिए मनु, अपनी पूरी बात पूरी करिए, अटक अटक के मत बोलिए, बोलते रहिए अपनी बात। ये इसका विरोध करते थे, बस इसी चक्कर में थोड़ी इनसे एक बार पहले भी अनबन हुई थी, जिससे कि उस टाइम हमने कोई FIR दर्ज नहीं कराई थी, क्योंकि इन्होंने माफ़ी हो गई थी आपस में कि आस पड़ोस के हैं, तो ये उस टाइम से धमकियां देते हुए आ रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं रिंकू को, छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। तो इन्होंने कल भैया को जब अकेले आते हुए देखा, तो ये 12-13 लोग मिलकर डंडे और चाकू लेके आए, भैया भागा भागा घर आया, जैसे ही मैंने गेट खोला तो इन्होंने ये भी पीछे पीछे भागते आ रहे थे, तो इन्होंने डंडे बरसाना चालू कर दिए हमारी पूरी फैमिली पे। बीच बचाव में मैंने अपने मम्मी पापा को अंदर कर लिया था, मम्मी पापा को अंदर वाले कमरे में बैठा दिया था, अंदर बंद कर दिया था। मैं जैसे ही भैया को भी करने जा रहा था, इन्होंने भैया को बाहर खींचते ही 10 या 20 मीटर की दूरी पे, जैसे ही भैया भागने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बच जाऊं, तो इन्होंने वहां चाकू मार दिया भैया को। बहुत अफसोस की बात है मनु, वाकई बहुत अफसोस की बात है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कल का ट्रिगर पॉइंट क्या था, कल किस बात पर विवाद हुआ, क्योंकि पुलिस रेस्टोरेंट का विवाद बता रही है, दरअसल हुआ क्या था कल ये भी बताइए कि किस बात पर ये लोग नाराज हो गए। और मैंने फुटेज में हम दिखा रहे हैं लगातार, वो फुटेज भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे 12-13 लोग डंडे लाठी रॉड उससे लेस होकर रिंकू को मारने के लिए पहुंचे थे वहां पर। ये लोग आज से नाराज नहीं है, ये 5 अगस्त से ही नाराज हैं, जब से ये हमारा विरोध करते थे, क्योंकि हम मेरा भाई जो बड़ा वाला भाई रिंकू शर्मा, वो हिंदुत्व के लिए काम करता था, हिंदुत्व धर्म के लिए काम करता था, अपने धर्म के लिए काम करता था, तो ये उसका विरोध करते थे। ठीक है, आपकी बात समझा कि हिंदुत्व के लिए काम करने के चलते उसका विरोध करते थे। 5 अगस्त को जब आपने रैली निकाली थी, उसके बाद क्या हुआ था मनु, ये भी बताइए मुझे। उसके बाद थोड़ी सी भैंसाबाजी हुई थी, जो ये नसरुद्दीन को पकड़ा गया है, उसकी वाइफ भैया को आते जाते छेड़ती थी, गाली गलौज करती थी, लेकिन भैया कुछ नहीं बोलता था। तो एक बार इनसे अनबन हुई थी, तो बाद में कोम्पर हो गई थी कि इन्होंने माफ़ी वाफ़ी कर ली थी कि कोई बात नहीं होता है, तो ये जब से ही विरोध कर रहे हैं उस बात का। और हम प्रति मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसका भी विरोध करते हैं कि ये क्यों करते हैं, रिंकू शर्मा क्यों आगे होता है अपने धर्म के लिए, ये करते हैं, ये दबा के रखने की कोशिश कर रहे थे सबको। अच्छा मनु, मुझे ये भी बताइए कि आप रिंकू ने तो इस परिवार में किसी के लिए अपना खून भी दिया था, किस बात के लिए खून दिया था और वो क्या वाकया है, वो भी समझाइए मुझे। हाँ जी जो इस्लामुद्दीन की वाइफ, जब प्रेगनेंसी थी उसकी, प्रेगनेंसी डिलीवरी होने वाली थी, तो उसको होश नहीं था, तो भैया ने उसको ब्लड दिया था। और अभी कोरोना काल में एक इन्हीं के घर का सकरुद्दीन नाम का है, उसको भैया ने कोरोना काल में दिखाया भी था उसको, जब कोरोना हुआ था। तो लेकिन फिर ये इतने
एहसान फरामोश क्यों निकले अगर इस शब्द का मैं इस्तेमाल करूं कि आपने उनके घर में लोगों को जान बचाने के लिए खून दिया और उसके बाद भी उन्होंने इस तरह का काम क्यों किया? मनु आपको क्या लगता है? हमारे को तो यही लगता है ये जल्लाद से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरी तो एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इनको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनिए, ये गद्दार हैं। मनु मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जो कल का वाक्या हुआ उसके बाद आपने किन किन लोगों से बात की, पुलिस के अधिकारियों का क्या रवैया था आपको लेकर और आसपास के लोगों का क्या रवैया था? कौन कौन लोग आज आपसे मिलने आए और उन्होंने आपसे क्या कहा? अब हमारे साथ सारे ही संगठन हैं और सारे ही पुलिस भी हमें कोऑपरेट कर रही है। अब SHO साहब ने बोला है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई सिक्योरिटी लगा रखी है उन्होंने। सारे संगठन हमारे साथ साथ दे रहे हैं हमारा और सभी हमारे साथ मिले थे। हम सारे अभी के हम अपने भाई के लिए एक ही इंसाफ चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द फांसी हो बस। ठीक है, धन्यवाद मनु। एक आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए मनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, प्रेम शुक्ला जी, ये कैसी नशंसता है जय श्री राम के नाम को लेकर? जी नहीं, निश्चित तौर पर आज अगर गांधी भारत में होते तो इस राम विरोधी नृशंसता पर उनके आंसू निश्चित तौर पर छलक पड़ते। जिन महात्मा गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना करके लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्वदेश का स्वराज का स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया, जो इस देश को रामराज्य बनाना चाहते थे, जिस देश के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर जो है नंदलाल बसु जी ने प्रभु रामचंद्र जी की छवि अंकित की हो और जो राम राज्याभिषेक की छवियां बनाकर यह संकेत दिया हो कि यहाँ रामराज्य आएगा, वहां जय श्री राम बोलने पर कोई चमड़े नहीं बनाने की बात करता है, जय श्री राम बोलने पर किसी की हत्या कर दी जाती है, जय श्री राम का समर्थन करने का नाम अंकित शर्मा मार दिए जाते हैं क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जय हिंद वाले हैं, और जय श्री राम कहने के कारण जो है आज रिंकू शर्मा की हत्या कर दी जाती है। तो जय हिंद और जय श्री राम से माँ भारती के प्रति जो है समर्पण भाव दिखाने वालों के प्रति कौन से वर्ग को पीड़ा है? उस वर्ग को पीड़ा है जो इस देश को जिहादियों का जन्नत बनाना चाहती है। देखिए, जिहादियों का जन्नत इसको बनने नहीं देंगे। यह भारत का भारत भूमि को हम राम रहीम का भारत भूमि को जिहादियों की लीला भूमि बनने का अवसर नहीं दिया जा सकता। विवेक श्रीवास्तव जी, हम जानते हैं आपकी विचारधारा रक्तजीवी है किंतु इस देश को जिहाद का जन्नत बनाने का अवसर किसी भी आतंकी अतिरेकी अतिवादी विचारधारा को नहीं दिया जाएगा। आपके इस कहने का आधार क्या है ये भी बताइए विवेक श्रीवास्तव। जुडिशियल बोलने दीजिए दिया साहब, तो चीफ सुनिए ना पहले, प्रेम शुक्ला जी सुनिए मेरी बात, रूलिंग पार्टी के रेस्पेक्टेड प्रवक्ता है आप, और तो बताइए आप जज कौन हुए? आप कौन जज? आप आप जज हो गए? कानून का क्या पता नहीं, न्याय का ना पता नहीं, और जो है अनावश्यक स्वयं घोषित जज हो गए? न्यायाधीश मन मुटाव करवाइए, चलने देंगे और दंगे का इरादा करने वालों को दंग कर देंगे। दंगे का कोई इरादा नहीं है, दंगे का इरादा करने वालों को इतना जबरदस्त दंड देंगे कि वो दंग रह जाएंगे। ये नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, और आत्मनिर्भरता में नागरिक की सुरक्षा जो है प्रथम गारंटी है। देश में इन आतंकी शक्तियों को, विवेक श्रीवास्तव को कैसे पता लगा बताइए ना, अराजक शक्तियों को, आप बीच में बोल रहे हैं सबके, विवेक श्रीवास्तव जी बीच में मत बोलिए, मैं उनको चुप कराता हूँ, आप मुझे बताइए। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट सुन लेते, उनकी बात भी सुन लेते। विवेक श्रीवास्तव, शेरलॉक होम्स, मुझे बताइए आपको कैसे पता लगा कि ये राम रहीम का मसला है ही नहीं? आपको कैसे पता लगा? अब मैं आपको बता देता हूँ, अब आप सुन लीजिए धैर्य पूर्वक। पहली चीज आपसे गुजारिश है, इतना इंपॉर्टेंट चैनल है आपका, इतने बड़े एंकर हैं आप, कोशिश करिए कि चैनल का प्रयोग देश में शांति के लिए हो,
और ऐसी कोई बात कोई प्रवक्ता और एंकर ना बोले जिससे हिंदू और मुसलमानों में मनमुटाव फैले। ये देश सबका है, पहली अपील है मेरी। दूसरी बात, आप चुप करके सुनिए पहले, यहाँ पे धैर्य की पंजीरी ले लीजिए महाराज। जहां तक इस केस का सवाल है, अरे यार चुप रहो, बोलने दो, अच्छी बात। आप लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ आता नहीं है, रोज आ जाते हो प्रेम शुक्ला जी, इतना अच्छा बोलते हो और बोलते गलत के लिए हो, कभी शांति के लिए बोल लिया करो, प्रेम के लिए बोला करो यार। हाँ अच्छी बात क्या होती है, आप सुनिए, ये जो झगड़ा है कॉमन सेंस से बताइए। हम रक्तजीवी कम्युनिस्टों के विरोध में इसीलिए, अरे चंदा जीवी जी मुझे बोल लेने दीजिए थोड़ा, आप सुनिए, ये लड़का जिसको मारा गया बहुत दुखद है, नहीं मारा जाना चाहिए, जिन लोगों ने ये किया है उनको सख्त से सख्त सजा हो, रक्तजीवी पेशेंट फांसी हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये झगड़ा कम्युनिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट। अरे मुझे ये बताइए ना, आप किस आधार पे बोल रहे हैं कम्युनिस्ट नहीं है? विवेक जुआ तो आप आधार बता दीजिए ना, आप किस आधार पे बोल रहे हैं कम्युनल नहीं है? आपने मृतक के भाई को सुन लिया, उसने क्या बोला ये भी आपने सुना, आप कौन होते हैं निष्कर्ष पर पहुंचने वाले? जो बोला बोला, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ, ये व्यक्तिगत झगड़ा था, एक ही मोहल्ले में सब रहते थे, गजब की बात है, गजब की बात है विवेक जी, आप निष्कर्ष पर भी पहुंच गए। अब विजेश अवस्थी जी, क्या निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है? और उसके बाद मुझे भी रहमान के पास जाऊंगा। अब विवेक श्रीवास्तव जी चुप हो जाइए, आपने अपनी बात कह ली। अब विजेश अवस्थी जी, विवेक श्रीवास्तव ने निष्कर्ष दे दिया, दलील सुनी नहीं आपने, बड़े ही शातिर तरीके से बिना दलील सुने आपने दूसरे प्रवक्ता को बुलाया सर, और बीच में आप प्रेम शुक्ला को बुलाते रहे। दलील सुन लीजिए, व्यक्तिगत मामला पड़ोस का था, जो 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 शहीद हुआ उसने मेरे शर्लॉक होम्स ये बताइए ना, आप तो अपने घर में बैठे हुए मंगोलपुरी की घटना को आपने इन्वेस्टिगेट भी कर लिया घर पर बैठे बैठे, ये कैसे चमत्कार हुआ ये बताइए ना। आप ही के चैनल पे उस लड़के ने अभी टीवी पे बोला कि मेरे भाई ने इस्लामुद्दीन की बीवी को खून तक दिया, तो क्या जब तक व्यक्तिगत रिश्ते ना हो पड़ोस में ऐसा होता है कहीं? ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं मुझे भी रहमान के पास। मुझे भी रहमान, जिसको खून दिया उसके लिए इतनी नृशंसता, ये कौन सा धर्म है बताइए? दीपक जी, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। दीपक जी एक सेकंड रुक जाइए, मुजीबिर को जवाब देने दीजिए, उसके बाद सीधे आपके पास। दीपक जी, अभी आप जो जिस आदमी को जबरदस्ती झूठ बोलवाया जाएगा वो हकलाएगा ही, पहली चीज ये है। दूसरी चीज, आपने स्टेटमेंट नहीं दिखाया, सुन लीजिए ढाबे वाला क्या कहता है कि ये लोग आए, इन्होंने खाना खाया और इवन बिल के ऊपर इन्होंने कहा मैं दूंगा। उसके बाद एक नया एंगल उसी लड़के ने, जो भाई है उसने कहा कि हो सकता है कि ये एंगल हो कि उसकी बीवी को वो छेड़ता हो और बदले में कुछ कहा सुनी हुई हो, जैसा कि कहा बीवी को उसने खून भी दिया, जो कहा सुनिए। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की औरतें चलते हुए आदमी को सड़क पे छेड़ेंगी, बल्कि हो सकता है ये जो रिंकू है ये छेड़ता हो, ये एक नया एंगल है जो इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, इसके अंदर सुनिए, बात सुन लीजिए ना, आप मेरी, आपने एक मिनट भी नहीं दिया। आप और उसने कहा कि उसको सारी संस्थाओं का समर्थन हासिल है, सब लोग मिलने आ रहे हैं, बीजेपी का काम ही है, संघ का काम ही है कि मुद्दा उठाओ बनाओ, देखो सारी संस्थाएं पहुंची हुई है, उसको उसने एक वर्ड कहा था ये गद्दार हैं, इसमें गद्दार वर्ड कहां से आ गया? क्योंकि संस्थाओं ने जाके कहा होगा इनके खिलाफ आप बयान करो, ये लोग गद्दार हैं, मुसलमान गद्दार होते हैं, ये उसने वर्ड कहा है। आप रिपीट कर लीजिए, आप रिपीट कर, प्रेम शुक्ला जी गद्दार कर रहे हैं, लोगों ने आपने अपने आप को गद्दार का सर्टिफिकेट दे दिया, सांप्रदायिकता का मनोवैज्ञानिक आपको गद्दार का सर्टिफिकेट दे दिया। मुझे भी रहमान, ये मुजीबुर रहमान जो जियादुर रहमान बन गए हैं। दीपक चौरसिया जी एक्सपोज हो गए हो तुम, यहीं अपने चैनल पे खुद ही एक्सपोज हो गए हो और किसी ने नहीं, रिपीट करके भाई ने थैंक यू मैं अपने चैनल पर एक्सपोज हो गया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मुझे भी रहमान, आपने खुद हिंदुस्तान के मुसलमानों को गद्दार का सर्टिफिकेट दे दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उन मुसलमानों के लिए बड़ा हमदर्दी रखता हूँ जो गद्दार नहीं है इस देश के लिए, आप जैसे हो सकते हैं वो आपकी सोच वाली बात है। अब निजेश अवस्थी जी, ये क्या बर्बरता है मुझे समझाइए। दीपक जी, बड़ी साफ सी बात है, अगर मान लीजिए खाने के ऊपर झगड़ा हुआ था तो 15 लोग लाठी डंडे चक्कू लेकर के नहीं आते, दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है। 5 अगस्त 2020 को जिस दिन भूमि पूजन था अयोध्या में, उस दिन शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस दिन भी झगड़ा हुआ था, उस दिन भी कहा सुनी हुई थी, उस दिन भी बहस हुई थी और ये लगातार चल रही थी। और इस समय क्यों हुआ आप कहेंगे 5 अगस्त को हुआ तो अब क्यों हुआ? क्योंकि रिंकू शर्मा, मैं ये विक्की, ये कौन अविवेकी आदमी बोल रहा है,
आज इस समय वो समर्पण निधि जो है अविवेकी आदमी है वो, जो चीन की फौज को खून दे वो देशद्रोही है और खुलेआम कहता हूँ, जो करना कर लो मेरा। चीन की अगर आप चीन की फौज को हिंदुस्तान की फौज को खून देने से मना करो और उसके बाद कहो कि हमसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगो, देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता तुमको, तुम देश के दुश्मन हो। दुश्मन 55,000 ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है 55,000 हत्याएं की थी, जो इनके बुद्धदेव दास गुप्ता ने विधानसभा में पश्चिम बंगाल की माना था, अंग्रेजों के साथ दिया और फिर हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगी। 1962 में इसने चीन का साथ दिया फिर माफी मांगी, 1975 में इमरजेंसी का साथ दिया फिर माफी मांगी, अभी फिर माफी मांगेंगे, अभी फिर माफी मांगेंगे। एक बात देख लीजिए, जो सारे तत्व एक दूसरे से मिल रहे हैं, जो सारे तत्व एक दूसरे से मिल रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जी सबके बीच में नहीं प्लीज, विवेक श्रीवास्तव जी सबके बीच में नहीं प्लीज, आप बोलिएगा। आपको इतना सम्मान देते हैं, हम आपको लगातार डिबेट में बुलाते हैं, सम्मान देते हैं बड़े भाई की तरह, आपको सुन लीजिए ना उनकी बात। अब विजय जी बोलिए। मैं सुन रहा हूँ। इस समय समर्पण निधि एकत्र करने का कार्यक्रम चल रहा है और मुझे मालूम है कि शाम तक कुछ मुसलमान लोगों ने कहा ये बहुत दरिंदगी है, बहुत गलत काम हुआ है, सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दो दिन के बाद इसमें नए एंगल जोड़ करके इन तमाम लोगों को निरपराध साबित कर दिया जाएगा, निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। और ये तमाम लोग, मुजीबुर रहमान ने तो आपसे अभी से शुरू कर दिया, आप दो दिन बाद देखिए इनको लीगल एड दी जाएगी, बड़े बड़े वकीलों की बैटरी खड़ी की जाएगी, चंदा इकट्ठा किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बेकार में एक चीज को बहुत बड़ा तूल दे रहे हैं कि लोग भूल गए। ये है विवेक श्रीवास्तव, मुजीबुर रहमान। नहीं नहीं, आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं और अगर आप इस तरह बिना केस के हो जाए तो फांसी हो जाएगी, आप क्या हो गिरफ्तार किया जाता है। लड़का उसके ऊपर हमला हुआ और वो जय श्री राम का नाम, जय श्री राम कहता हुआ जय श्री राम बोल जवाब मुझे एक बार बताइए, आपको तो केस के बारे में उतना ही पता जितना आपने टीवी चैनल पर देखा, आपने बिना कुछ कहे उस लड़के को निर्दोष साबित कर दिया, जो लड़का टेलीविजन पर रिंकू शर्मा की हत्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, बताइए इसको कितनी निर्लज्जता बोलेंगे आप, आपके मन की आपका बौद्धिक दिवालियापन नहीं बोलेंगे इसको। दीपक जी सुन, अब सुन लीजिए ना, आपने सवाल किया रैली के अंदर वो अकेला आदमी था, क्या हिंदुस्तान के अंदर पहला जय श्री राम का नारा लगा है? जय श्री राम का नारा लग के दिल्ली दंगों में क्या हाल किया, कितनों को मार दिया मुसलमान ने, ये बताइए। झूठी आप बात यहाँ चला रहे हैं उसकी, मुझे तो जहां तक लगता है उसके भाई ने जब खुलासा किया है कितने बड़े अंकित शर्मा निकल के आ रहा है, अंकित ताहिर हुसैन ने ऊपर, ताहिर हुसैन ने क्या लगाया हुआ ऊपर, गुलेल लगाई थी, तेजाब के टैंक रखे हुए थे वहां पर, यहां पे तुमने पत्थर इकट्ठे किए थे, वो ताहिर हुसैन कौन था? मेरे साथ में लेके चलूंगा आपको, दीपक दीपक ये नहीं चलेगा, ताहिर हुसैन कौन है? ताहिर हुसैन आइडेंटिफाई करके मुसलमानों के घर जलाए हैं जनाब, आइडेंटिफाई करके एसिड क्यों रखा हुआ था, तेजाब क्यों रखा हुआ था, एक्सेप्ट करो ना सच्चाई को, आप तो करेंगे नहीं, आप तो नाथूराम गोडसे वाले वंश के लोग हैं, शर्मा को 50 चाकू मारे देश से हकीकत, अरे ये नाथूराम गोडसे वाले तो आपके ओसामा बिन लादेन वाले हैं, बताइए ना इस बात को भी बताइए, इसका भी जवाब दीजिए, अगर अवनिजेश अवस्थी नाथूराम गोडसे वाले हैं तो आप ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद वाले नहीं, हमने इस देश को बनाया है, हमने इस देश को बनाया है और हमने आजादी दिलाई, जिन लोगों ने शाहीन बाग के नाम पर आग लगाई उन लोगों को देश बनाने वाला नहीं मान सकता मैं, उन लोगों को देश बनाने वाला नहीं मान सकता मैं सीधे चलूंगा, मेरे दर्शक जुड़ गए ललित सिंह सांचो जयपुर से, ललित सिंह जी क्या कहेंगे मनु शर्मा के, रिंकू शर्मा के इस इंसिडेंट के बारे में? जो भारत देश में हर पार्टी हर शख्स हर व्यक्ति राम राज्य की कामना करता है, तो जय श्री राम का नारा तो हिंदुस्तान में ही लगेगा, अगर उस चीज को लेकर कोई हत्याएं होती है या किसी को परेशान किया जाता है तो वो सरासर गलत है। जैसे कि मनु शर्मा ने जो बोला है कि जय श्री राम और हनुमान चालीसा पढ़ने पर अगर उसके भाई की हत्या हुई है तो शख्स सामने वाले सीधे आरोपित होते हैं और यह एक बहुत ही निंदनीय कार्य है।
क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पर हमें श्री राम राज्य की कामना हर लोग करते हैं, हर व्यक्ति करते हैं, हर आदमी करते हैं। तो श्री राम तो हमारा दिल में, आत्मा में और भारत के, हिंदुस्तान की आत्मा में बसा हुआ है। तो जय श्री राम का नारा तो लग के ही रहेगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही कहा ललित सिंह जी आपने, और इसी सवाल को मुझे भी रहमान के पास ले जाना चाहता हूँ। मुझे भी रहमान, क्या भगवान श्री राम आपके पूर्वज नहीं है? हम तो चाहते हैं रामराज आए, लेकिन बीजेपी रामराज नहीं ला सकती। ये तो रावण राज से भी बुरा राज है जो ये लाएंगे। रामराज लाने के लिए इनको अपने पूरी जो पॉलिसीज है उनको चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, गंदगी निकालनी पड़ेगी। नाथू राम को, सावरकर को दफनाना पड़ेगा इनको, तब देश के अंदर रामराज आएगा, तब हम उसके साथ खड़े होंगे बीजेपी के साथ। जिस दिन ये पुतला फूके अपने ऑफिस के अंदर नाथू राम गोडसे का, बताइए प्रेम शुक्ला जी किस दिन तैयार है? मैं की फोटो लगानी पड़ेगी अब कितना मजीद जिन्ना की फोटो लगानी पड़ेगी ना, बात ही नहीं करी, यही कहते हो ना तुम कि जिन्ना की फोटो लगाएंगे हमारे जगह। उत्तर दे दूं दीपक जी, अवसर दे दो। बिल्कुल मुझे फिर सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी का उत्तर, मुझे फिर सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी का उत्तर। प्रेम शुक्ला जी, मैं दीपक चौरसिया, मैं दीपक जी देखिए, ये रहमान से ये संसार के किसी भी न्याय शास्त्र में संगेश का, बख्तियार खिलजी, संसार के जलालुद्दीन खिलजी, ये कौन है ये? मैं आपका सवाल भी उन तक ले जाऊंगा। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मुसलमान होना गुनाह हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, मोहम्मद गौरी मेरी बात रख लूं, हरे लगे चीज है। अच्छा एक मिनट, मैंने प्रेम शुक्ला जी को कहा है बोलने के लिए, प्लीज बाद में तुरंत आपके पास आऊंगा, और मुझे भी अगर सवाल पूछे तो जवाब सुनने की हिम्मत भी रखा करिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए न्याय शास्त्र के किसी भी सिद्धांत में गंगा की पवित्रता का जो है मूल्यांकन करने का निर्णय क्षमता गटर को दे दी जाए, ऐसा किसी न्याय शास्त्र में नहीं है। जय श्री राम के नारे को अगर कोई अल्लाह अकबर कहकर जय श्री राम बोलने वाले की हत्या करे, इस जिहादी गतिविधि को संचालित करने के बाद वो कहे कि नहीं उसमें जो है उसके परिवार उसकी लड़की से संबंध रहा होगा, वो खून देने वाला जो है जिसने अपना खून दिया वो खून देने वाला उसको छेड़ता रहा होगा, इस तरह का अगर किसी के दिमाग से सांप्रदायिक मवाद तपत्ति हो तो ऐसे सांप्रदायिक लोगों से उत्तर देने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। जिनकी सांप्रदायिक सड़ांग आपके चैनल पर प्रकट होती मानवता की बजाय वो जो जो मारा गया है मृत परिवार की संवेदनाओं की बजाय हत्यारों के लिए तर्क ढूंढते बैठते हैं, ये क्यों चीख रहे हैं भाई? तर्क कोई नहीं ढूंढ रहा है, ये क्या कौन सा रोग हुआ है जो अनावश्यक यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं? आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मैं अधिकारी हूँ और मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, ये बीच में क्यों रोक टोक और टोक रहे हैं? हमारी सिर्फ ये अपील है, आपका ये रोकना टोकना और शाब्दिक टोकना इससे जो ठीक है बिना गिर कर गर्त तक पहुंचने पर आमादा है, लेकिन दूसरों को आप हर चीज में सांप्रदायिक रंग मत लाइए ना, जो हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ, गलत हुआ, हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, मृतक के परिवार के साथ जी, आप पीड़ित परिवार की बात भी नहीं सुनेंगे? ये कौन सा न्याय है कि आप पीड़ित परिवार को बोलेंगे वही बोले जो विवेक श्रीवास्तव चाहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? सब कुछ सांप्रदायिकता से पूरी तरह से सना हुआ है, कह रहे हैं कि ये पारिवारिक मामला था, पड़ोस का मामला था, झगड़ा हुआ, लड़ गए, अच्छा मुसलमान से लड़ जाए, अच्छा कहाँ आए ये धार्मिक, कौन गया था जांच करने? विवेक श्रीवास्तव गए थे जांच करने, शेरलॉक होम से वो कहाँ से ले आए? शेरलॉक होम से हमारे विवेक भाई, और आपका तथ्यहीन है। विवेक भाई शेरलॉक होम से वो किसी के भी अंतर्यामी है, जांच कर सकते हैं और निष्कर्ष भी दे सकते हैं, निष्कर्ष दे सकते हैं, थोड़े दिन बाद अदालत में बैठेंगे जजमेंट करते हुए। अपराधी को दंडित करने के लिए विवेक श्रीवास्तव की एनओसी की आवश्यकता अभी तक आईपीसी में नहीं हुई है? नहीं, आईपीसी में हो गई है। विवेक श्रीवास्तव जो बोलेंगे वो अकाट्य है। पहले बयान को पहले सुन लीजिए,
आप पहले पुलिस के पहले बयान को सुन लीजिए, आप समझ लीजिए, और मैं सुन करके समझ करके आया हूँ। पुलिस कितनी अच्छी लग रही है इनको, सुनिए सुनिए, पुलिस कितनी अच्छी लग रही है आज इनको, आज कितनी अच्छी लग रही है पुलिस विवेक श्रीवास्तव को। ठीक है, मैं बहस को आगे बढ़ाता हूँ, मैं सीधे विनय सिंह जी के पास चलता हूँ। विनय सिंह जी बताइए, जैसे दिल्ली में जय श्री राम बैन है, वैसा क्या पश्चिम बंगाल में भी बैन है? बताइए विनय सिंह, यहाँ भी बोलेंगे मुझे जय श्री राम? दीपक भाई, पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नाम से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बढ़ा चढ़ा करके आप लोग मीडिया में ला रहे हैं, कोई कोई नाराजगी नहीं है। ममता जी क्यों बोल के गई कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? दिखाया जाता है, बेइज्जती का सवाल नहीं है, जय श्री राम बोलने का और उसके उद्घोष करने का भी कोई एक जगह है, उसका अपना वजूद है, जहां तहां हम जब मन में आया जिसके सामने जैसे, हम जय श्री राम का नारा प्रेम से धर्म से जय श्री राम को अपना भगवान मानकर हम अगर हम नाम का अगर प्रयोग करें तो ठीक है, और अगर हम किसी को देख करके जय श्री राम हम तनाव तैयार करने के लिए जय श्री राम बकते रहे तो यह कोई सभ्यता नहीं है। भगवान श्री राम की भगवान श्री राम ने यह शिक्षा नहीं दी है और रामचरितमानस में रामायण में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है, और राम राज्य की जो सपना जो भाजपा दिखा भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, जो लोग भारतवर्ष के रेल को बेच दिए, जो BSNL को बेच दिए, जो एयरलाइंस को बेच दिए, जहाँ दिल्ली में आज 2 माह से ज्यादा हो गया, किसान आंदोलन पर बैठे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, 40 वर्ष के दौरान बेरोजगारी भारतवर्ष में सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान ही हुआ, और गरीब गरीब से होते चला गया, और सारे देश का जितनी संपत्ति है और जितना उद्योग है अंबानी और अदानी के हाथों में दिया जा रहा है, तो एक तरफ से एक तो भगवान राम निंदा निबंध आगे रख करके ये व्यवसाय कर रहे हैं। अच्छा, व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है, सीधे सीधे अवनीत जी के पास चलता हूँ। अवनीत जी, भगवान राम के नाम पर व्यवसाय कर रहे हैं, बताइए। विनय सिंह जी जवाब सुन लीजिए। वो विनय सिंह जी, आपके राज्यसभा सांसद और जिसको पूर्व मंत्री थे दिनेश त्रिवेदी, आपके नेता ने आपके चेहरे पर से नकाब हटाया आज राज्यसभा में, संसद में, ऐसा नकाब उतारा कि TMC वाले सारे नंगे के नंगे हो गए वहां पर। जवाब ले लीजिएगा, दीपक जी बोलने का मौका दीजिएगा। बिल्कुल दूंगा विनय जी की बात है, आप सुन लो विनय सिंह, सुन लो विनय सिंह, अब बीच में मैं नहीं बोलूंगा। तमाचा जोरदार तमाचा मारा है, जोरदार तमाचा मारा है आज दिनेश त्रिवेदी ने, ऐसा ऐसी चपेट पड़ी है कई दिनों तक। हाँ, सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, असली बात यह है कि बेचने सुन लो प्रेम शुक्ला सुन लो, प्राइवेटाइजेशन की दिनेश त्रिवेदी, ये इकोनॉमी भाजपा सरकार का प्रेम शुक्ला नहीं है। अब निजे समस्ती बोल रहे हैं, उनको कंप्लीट करने दीजिए मेरे भाई, आप ही के पास आ रहा हूँ सीधे। किसी ने नहीं बेचा। इस बीच अपराजिता जी मेरे साथ आ गई है, महंत राजू दास जी आ गए और तेजसिंह पूनावाला आ गए, तीन लोग, ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं पड़ेगा दिनेश त्रिवेदी के जाने से, वो अर्जुन सिंह के नाक में नकेला अपने पहना दिया है। दिनेश त्रिवेदी का तृणमूल से जाना और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों लेकर तो पहले क्यों नहीं निकाल दिया भाई, अर्जुन सिंह को पहले क्यों नहीं निकाल दिया, नकेलिए पहले क्यों नहीं डाल दी तुमने? अरे हम निकालने के तुमने पहले क्यों नहीं डाल दी, इन लोगों को निकालने नहीं, काहे को तुम नकेल पहले डालते ना फिर? अरे तुमने नकेल पहले काहे क्यों नहीं डाली, नकेल पहले काहे नहीं डाली तुमने? इंतजार किस बात का कर रहे थे? ये नकेल पहले क्यों नहीं डाली अर्जुन सिंह को? बताइए ना विनय सिंह, बताइए ना, अब गाल सहला रहे हैं आप, अब गाल सहला रहे हैं, इतनी जोर का तमाचा पड़ा है आज, ऐसा तमाचा पड़ा है और पार्लियामेंट में पड़ा है, बाहर नहीं पड़ा, संसद में, संसद के भीतर पड़ा, बड़ी जोर का पड़ा। अच्छा विनय सिंह जी जवाब सुन ले, अपराजिता सारंगी जी मेरे साथ जुड़ गई है, अपराजिता जी क्या बोलेंगी आज दिनेश त्रिवेदी ने जिस ड्रामेटिक अंदाज में आज राज्यसभा से टीएमसी से इस्तीफा दिया, उसको क्या कैसे देखती है पॉलिटिकली? क्या इससे पहले राज्यसभा में ऐसा कुछ हुआ है?
जी आप सबको नमस्कार। दिनेश त्रिवेदी जी एक अनुभवी और स्वाभिमानी नेता हैं, देश के पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं। आज जो उन्होंने राज्यसभा में कहा इस्तीफा देते वक्त, मुझे लगता है कि इस वक्तव्य से टीएमसी की अंदरूनी स्थिति पूरी तरह से सबके सामने स्पष्ट है। देखिए वहाँ भय है, अराजकता है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है बातचीत करने की। उन्होंने बहुत सही ढंग से कहा कि मुझे घुटन महसूस हो रही है, ना अराजकता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का। और तो मुझे लगता है कि ये टीएमसी के लिए नहीं लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। ऐसा उन्होंने कैसे कह दिया? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब कार्यकर्ता, विनय भाई सुन लीजिए बात, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। किसी भी पार्टी में जब कार्यकर्ता को, कर्मी को अपनी बातचीत कहने की स्वतंत्रता ना हो, भय का माहौल हो, अराजकता का माहौल हो, सब तरफ हिंसा ही दिखाई देती हो, कड़वाहट हो, आप उनकी बात सुने, उन्होंने कड़वाहट शब्द भी प्रयोग किया है, तो मुझे लगता है जहां इतनी कड़वाहट है तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में अभी टीएमसी को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। अभी भी समय है, घर संवार ले, नहीं तो ऐसा होगा कि अप्रैल मई तक ममता दीदी अकेले रह जाएंगी अपने भतीजे के साथ और सारी पलटन हमारी तरफ आ जाएगी। हम ठीक है, सीधे तहसीम पूना वाला से शुरुआत करते हैं। तहसीम भाई, जय श्री राम से शुरू करें आज की बात। सवारना चाहिए तहसीम भाई, जय श्री राम सुन के खामोश हो गए। तहसीम भाई जय श्री राम। मेरा साउंड आप बताइए, आप यहाँ पे बताइए, आपने साउंड निकाल दिया। जय श्री राम, जय माता दुर्गा, दोनों बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जय माता दुर्गा, जय भोले भवानी। अब उन्होंने तो बोल दिया, कम से कम ताली तो पीट दीजिए चौरसिया साहब। ना ना, उन्होंने बड़े सोच समझ के बोला। आपसे भी जय श्री राम बोलूंगा, रुक जाइए, शुरू करिए। ये इस तरह से ये सब मेरे साथ में जानता हूँ ये इसलिए हो रहा है कि बंगाल का जीडीपी ग्रोथ रेट 11.5% है जबकि भारत का -10% है। क्योंकि आपको इकोनॉमी पर चर्चा नहीं करनी, ये आप फर्जी डिबेट लगा देते हो, ये आप फर्जी डिबेट लगा देते हो, इसलिए उन्हें जय श्री राम नहीं बोला। मैं कट से कहता हूँ, जय श्री राम, राम मंदिर के लिए चंदा दिया है मैंने, प्लीज मुझसे ये सब मत कीजिए। आप, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपके कैमरामैन से पूछिए, वो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या किसी को आपत्ति होनी चाहिए बंगाल में अगर जय श्री राम बोला जाए तो? ममता दीदी ये सोचती है उनका अपमान हुआ है, क्या आपको लगता है ये उनका एटीट्यूड सही है? मैं ममता दीदी को थोड़ा बहुत जानता हूँ और उनसे सच्चा हिंदू, उनसे बेहतर हिंदू कोई नहीं है। खास करते ये जो दो लोग हिंदुइज्म पे जो अपना मोहर लगाते और कहते कि वे हिंदू हृदय सम्राट है, इन दोनों से तो ममता जी बेटर हिंदू है। ममता जी ने जो डेवलपमेंट का मॉडल लाया है 11.5%, इसे हिंदुओं को भी फायदा होता है, मुसलमानों की भी। लेकिन मोदी जी के मॉडल से हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, देश भी परेशान है। सच्चा हिंदू और सच्चा राम भक्त वो है जो राम के बच्चों को नौकरी दे, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। सच्चा हिंदू और सच्चा राम भक्त वो है जो राम के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे, जो उनको सुरक्षित रखे। मोदी जी के राज में, दिल्ली में आज हिंदू भाई सुरक्षित नहीं है, पुलिस किसके नीचे? तो मोदी जी प्लीज राम जी की बात ना करें। मोदी जी प्लीज, उनका कोई अधिकार नहीं है राम जी पर, उनकी श्रद्धा जरूर है लेकिन अधिकार उनका नहीं, अधिकार हम सबका है जितना ममता जी का है। ममता जी राम जी से छिड़ती नहीं, ममता जी राम जी की सच्ची भक्त है। और आज हम आंकड़ों पर अगर डिबेट करें तो मोदी जी हार जाएंगे, इसलिए मोदी जी इस लोकतंत्र को उस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं जहां पर ऐसा लगे कि सिर्फ वही सच्चे हिंदू है। कांग्रेस पार्टी को अलायंस में नहीं ले रही है ममता जी, जो बैटिंग कर रहे हैं उनकी गलती है, उनकी गलती है। नहीं नहीं, मैं एक
आपने धर्म पे एक व्यक्तिगत सवाल पूछा, और क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर से थोड़ा बहुत जानता हूं, मैं कहता हूं उनसे सच्चा हिंदू कोई नहीं है। क्या आप जानते हो हर साल वो काली माता का पूजा करती है? क्या आप ये बात जानते हो? और बहुत भव्य तरीके से पूजा करती है वो, और सच्चे मन से करती है। क्या आप ये बात जानते हो? कितने लोग जानते हैं? ये हिंदू ने, वो हिंदू ने, सच्चा हिंदू नरेंद्र मोदी ने, ये क्या लगा रखा है? इस मुल्क में सच्चा इंसान वो है, इस मुल्क में सच्चा इंसान वो है जो रोटी देगा, जो नौकरी देगा, जो गरीबों का हाथ पकड़ेगा। क्या राम के भक्तों को, राम के बच्चों को जिस तरह से 4 घंटे में लॉकडाउन करते सड़क पर छोड़ दिया, ये सच्चा हिंदू है? ये सच्चा भारतीय है? ठीक है, इसी का जवाब लूंगा। तहसीन भाई बहुत अच्छा पॉइंट रखा है आपने, इसी का जवाब लूंगा। गुलाम नबी आजाद की शुरुआत होगी। सुनिए साहब लास्ट लाइन बोलिए, लास्ट लाइन साहब। गुलाम नबी आजाद के लिए आंसू निकले, अच्छा ही निकला। गुलाम नबी आजाद के लिए आंसू निकले, हमारे 200 से अधिक किसान शहीद हो गए, एक आंसू नहीं निकला नरेंद्र मोदी जी के आंख से। क्या भगवान राम इससे प्रसन्न होते? अरे काय के राम भक्त, काय के राम भक्त और काय के प्रधानमंत्री, देश को उन्होंने बर्बाद कर दिया, इकॉनमी को बर्बाद किया। इकॉनमी पे डिबेट कीजिए साहब, इकोनॉमी पे डिबेट करेंगे जब 11% होगी। डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा कानपुर से मेरे एक दर्शक जुड़ गए। डॉक्टर मिश्रा क्या कहेंगे इस बहस पर? क्या जय श्री राम पर कोई आपत्ति होनी चाहिए किसी को? जी नहीं, मैं समझता हूँ बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं, हमारे आदर्श हैं और भारतवर्ष की अस्मिता है। अगर हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि ये थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी वो आराध्य हैं, तो जय श्री राम के नारे से किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और इसी पर हम बहस कर रहे हैं। सीधे मैं चलता हूं अपराजिता सारंगी जी के पास। अपराजिता सारंगी जी, क्या वाकई देश की अर्थव्यवस्था डूब गई है? देश की दुकान बंद होने वाली है? तहसीन भाई को सुनकर ऐसा ही लग रहा है। अब विजय जी आ रहा हूं आपके पास, महान जी के पास भी दिख गया हूं मैं, विवेक भाई के पास भी। भारत की तरफ देख रहा है, मैं पुनरावृत्ति करती हूं, विश्व भारत की तरफ देख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने नहीं कहा, ये दिनेश त्रिवेदी जी ने कहा है इस्तीफा देते वक्त। ये टीएमसी के मेंबर है, साथ नहीं। तो आप मुझे बताएं, जब विश्व भारत की तरफ देख रहा है, इसका मतलब है कंट्री इज लीडिंग, और हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अद्भुत जन समर्थन मिल रहा है। एक पर एक इलेक्शन हम जीतते जा रहे हैं। हम स्कोरबोर्ड देखकर बात करें। देखिए ऐसा है कि हम कहें आप कहें, इससे कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ डेटा देंगे, मैं बहुत डेटा है मेरे पास हजारों डेटा है। जरूर जीतिए चुनाव। अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है, अभी बजट की बात मैं करना शुरू करूं तो रात हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन, एक पर एक इलेक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। आप राजस्थान के जिला परिषद की बात करें, गोवा की बात करें, आप हैदराबाद म्युनिसिपल पोल्स की बात करें, आप बिहार की बात करें, आप हर जगह की बात करें, बिल्कुल जन समर्थन हमारे प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है और ये मिलता ही रहेगा। और मुझे लगता है भारत चीन सीमा विवाद जो हो रहा है, इस दिशा में भी जो हमने जबरदस्त काम किया, मुझे लगता है यह हिंदुस्तान का विजय है। जिस तरह से हमने भारत चीन सीमा को सुलझाया, विवेक भाई, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, विवेक भाई, अगर शब्दों से खेती होती और अगर शब्दों से किसी का पेट भरता तो विवेक भाई के राज में कोई भूखा नहीं रहता। मानते हैं आप इस बात को? आप जो मर्जी मुझे कहिए, लेकिन आप बताइए, ये यहाँ पे मोदी साहब की डॉक्यूमेंट्री लेके बैठ गई और रिलेवेंट टॉपिक पे बोल नहीं रही है। किसी पड़ोसी से आपकी बनती नहीं, ना चाइना, ना पाकिस्तान, ना श्रीलंका, ना नेपाल, ना भूटान, ना बांग्लादेश। और अमरीका पहुंचे साहब, मोदी साहब अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने लगे। लोगों का जन समर्थन तो इधर है, पब्लिक झूठ नहीं बोलती है। आप हमेशा इस बात को याद रखें, पब्लिक झूठ नहीं बोलती है। दो दिन पहले अखबार में आया, जब पब्लिक का समर्थन है इसका मतलब है कि विकास हो रहा है। हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, हम प्रगतिशील राजनीति करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास जीतने के लिए कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, अब निजय जी कुछ बोलने वाले हैं, उसके बाद मैं महंत राजूदास जी के पास चलूंगा। अब निजय अवस्थी, एक
तो नहीं चाहता कि एजेंडा ये तय करें उसमें बोलूं, लेकिन मैं विवेक श्रीवास्तव को बता देता हूं कि तमाम देशों के जिन्होंने जिनके नाम बोले उन सबको वैक्सीन दी गई है, मांगी उन्होंने और दी गई है। वो तमाम लोग भारत ने सहायता की, यहाँ तक कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो हनुमान जी का चित्र भेज करके की कि जैसे हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे उस तरीके से वैक्सीन मिली है। तमाम अफ्रीकन कंट्रीज रोज थैंक यू मोदी जी। चुप रहो, बीच में मत बोला करो। दीपक जी मैं इस आदमी के बीच में नहीं बोलता हूँ। क्योंकि ये चीन का खाता है, ये चीन से पैसे लेता है ये आदमी। और तहसील पुनावाला से मैं एक बात कहूंगा कि अगर चीन ने भारत की जमीन ले ली है तो सबसे पहले राहुल गांधी को MOU अपना कैंसिल करना चाहिए। ऐसे देश के साथ जो हमारे देश की जमीन खा गया उसके साथ MOU सार्वजनिक रूप से कहे कि मैंने जो MOU साइन किया था वो मैं कैंसिल करता हूँ, क्योंकि चीन ने हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर लिया है। आपकी जमीन पे कब्जा किया, लड़ाई की, झगड़ा। ठीक है, सीधे तहसील के पास चले। उससे पहले महंत राजू दास के पास। महंत जी, मुझे एक बार बताइए, क्या राम नाम पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए? विनोद सिंह बोल रहे हैं ममता दीदी को नहीं है, फिर क्यों नाराज हो गई वो जय श्री राम सुनकर? जय श्री राम के नाम पर, राम नाम के नाम पर किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन ममता दीदी को डर इस बात को लेकर है क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी जमीन खिसक चुकी है। और देखिए लगातार, विनय भाई इसके बाद आप ही का जवाब होगा। सारे बैंक में नहीं, नहीं सुनिए तो दीपक जी, विनय भाई एक मिनट, आप ही का जवाब होगा। मान जी को बोलने दीजिए, प्रशंसा कर रहे हैं दीपक जी, केवल भगवान श्री राम को सामने। अरे विवेक भाई चुप तो हो जाओ, पहले शांत रहो। पहले और अगर आप लोग अच्छे वक्ता हो, अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी के आप अच्छे प्रवक्ता हो तो शांतिपूर्ण तरीके से सुनिए, सुनने की क्षमता भी रखिए। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, फड़फड़ाने से काम नहीं चलेगा। फड़फड़ाते तो चल गए, खत्म हो गए, और नौबत ये आ गई खत्म होने वाले हो, फिर भी बुद्धि नहीं काम कर रही है। पूरा देश और दुनिया आपको देख रहा है, फिर भी किसी को बोलने नहीं दोगे, आवाज किसी की दबा दोगे आप लोग? दीपक जी सुन लीजिए पहली मेरी बात को, जय श्री राम से किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान राम सबके हैं और सबके लिए हैं। राम नाम शब्द से लेकर जय श्री राम से लेकर हर चीज में राम नाम व्याप्त है, लेकिन पता नहीं क्यों ममता दीदी को इस प्रकार से तकलीफ होती है जय श्री राम से, क्यों मंच से भाग जाती है? कोई जय श्री राम बोलता उसको बंद करा देती है, उसको मरवाती है। जब देखिए प्रधानमंत्री जी अयोध्या में जब भूमि पूजन चल रहा था उस समय में देखिए तमाम जगह छोटे छोटे जगह पे कोई भजन कीर्तन संकीर्तन कर रहे थे, भगवान राम की आरती कर रहे थे, तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा था। उनके मन में राजनीतिक द्वेष है, उनको डर सता रहा है, जो उनकी जमीन खत्म हो चुकी है, इसके नाते और कुछ भी नहीं, राजनीतिक लाभ लेना चाहती है वहाँ के मुसलमानों को। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। विनय जी आपसे जवाब होगा, बीच में मत बोलिए विनय भाई, आप इसे जवाब होगा ब्रेक के बाद।